करो, वहां जाके कॉलोनी वालों से पूछ के आओ याददाश्त वापस लाने के क्या क्या उपाय। लेकिन पापा की याददाश्त गई है ऐसा बोलना नहीं है, वरना हॉस्पिटल ले जाने की जिद करेंगे वो लोग। जाओ जाओ हेमंत। हुआ? हो रहा है मम्मी, बस दो मिनट। जल्दी करो बेटा प्लीज। वसंत मिल गया मम्मी, अब जल्दी जल्दी हो जाएगी भाषा डाउनलोड। वेरी गुड। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू। हेमंत क्या हुआ तेरे पापा को, क्या किया तूने? हो गया मम्मी। वसंत कैसे आप? वाह चाय है ना, तुम भी लो। एक मिनट, पहले सब स्टैट्यूटरी वार्निंग क्लियर कर लेते हैं, सेंसर सर्टिफिकेट दे देते हैं इसकी चाय को। चकुड़ी, ये चाय में जो मसाला है वो चाय का ही है ना, ये फिर गरम मसाला पंजाबी मसाला? नहीं नहीं बा, चाय का ही है। और दूध मनसुख डेयरी फार्म से मंगाया हुआ भैंस का दूध ही है ना? दूध इसका कोई भरोसा नहीं है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके पास, छिपकली का दूध, फिनाइल, ऐसा सब। राम जाने क्या डाल के लेके आई होगी और फिर बाद में बताएगी। नहीं नहीं बा, भैंस का ही है। वेरी गुड। और जो चाय पत्ती है वो कुत्ता बिल्ली चाप आसामी चाय पत्ती, वो प्लास्टिक की जो बरनी है उसमें से ऐसे चम्मच से निकाल के उबलते हुए दूध पानी में ऐसे डालकर लेके आई है ना? हाँ हाँ बा, आपकी कसम। अब सर्टिफिकेट मिल गया। थैंक यू, नो रिटर्न बा। ले ले चाय ले, है ना? एक सेकेंड। Have it. ले खारी बिस्किट भी खा। ये खारी बिस्किट भी मैं हेयर ड्रायर से अच्छे से साफ करके लाई हूँ, है ना? आया नया आया मार्केट में, अब तू हैंडल कर। फिर भी तुमने खारी बिस्किट को हेयर ड्रायर से साफ किया? हाँ, क्योंकि उस पे जो चढ़ी हुई चींटियां थी ना, है ना, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, मैं फूंक मार मार के थक गई, फिर हेयर ड्रायर लाया और उस पे घूम कर कैसे मारा, फिर जाके सारी चींटियां उड़ गई। लेकिन चींटियों को मारा नहीं मैंने, है ना? बहुत रिस्पेक्ट करती है ये चींटियों की, बहुत परवाह करती है, मारेगी हम दोनों को ये ड्रैक्यूली। भैरवी तुमको बोल, अब बोल। अरे मेरे तो मोतिया मर जाते हैं, मोतिया। क्या मोतिया? मतलब हमारे गुजराती में क्या होता है, मोती बिंदु होता है ना, उसको गुजराती में। ओके ओके आंटी भावना, इट्स ओके, वो आप रहने दीजिए, आप जल्दी से चाय पी लीजिए, फिर हम मिस्टर घोटाला के घर चलते हैं। ओके हाँ वसंत भाई, आज तो आपके दिमाग की कसौटी होने वाली है, कसौटी। हम कैसे वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले बताइए कि आप कौन हो मैया? भैया मैया, आप कौन हो मैया? मम्मी पापा आपको मैया बुला रहे हैं, मैया मतलब माँ जनता। अरे पता है मुझे। अरे क्या पता है, क्या पता है, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। दीवाना जनता नहीं, जनेता, जनेता होते है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ऐसा कीजिए,
कीजिए। गंजेड़ी है आ, क्या काहे करूं ऐसा काहे करूं? अरे ऐसा तो लोगों के आंखों में धूल झोंकने के वास्ते करते हैं, क्या गलत गलत सिखा रही है हमका? अब हट जाइए वरना शोर मचाएंगे। वर्षा भाभी और हेमंत चैंपियन स्पोर्ट्स मार्ट के गोडाउन में किसी काम करने वाले लड़के की पूछताछ करने गए थे तो उसका नाम समर है समर, और कुछ खुफिया सरकारी एजेंसीज उसकी तलाश में है उजैन सन, और वो छोरा फरार है फरार। अब बोलो हमारे दिमाग में शक ऐसा वो जल्दी बोलने भाई। अरे एक मिनट मैन, वो अपना गुजराती लोग कौन सा मावा का मिठाई बनाते है, वो राजकोट का क्या, वो राजकोट का पेड़ा? हाँ अभी तुम ही बोलो, हमारे दिमाग में शक पैदा होगा कि नहीं? ओ झालर, पैदा 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 का पैदा किया तूने, तुम समझा ना? तू भी समझ ओ जा इंसान। देखो हम तो सिर्फ चौकन्ना रहने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल जमाना बहुत खराब है। कल को मान लो के पूरी की पूरी घोटाला फैमिली वो गैर कानूनी काम करने वाले आतंकवादी निकले तो? हाँ मानो भैया, ये घोटाला इन फैमिली मतलब शिशिर की फैमिली ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले आतंकवादी निकले तो? ऐसा काका मुरली और रॉनी सोच रहे हैं शिशिर। देख बागड़ बिल्लो, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम उस तरह के लोग नहीं है। डेढ़ साल जानने के बाद भी आपको हम पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा भद्रेश अंकल? शिशिर तू इनकी बात छोड़, तू बता तुझे कुछ काम था? हाँ मानव आया है ना, सताने गए थे ना इस बच्चे को, अब उसकी जगह इसकी मदद कर देना, समझे आप लोग? पापा ये लीजिए। का है बिटवा? नारियल पानी। अरे ये तो सादा पानी है हेमंत। हाँ तो मैं इसमें नारियल डाल रहा हूँ ना मम्मी। पीजिए नारियल पानी पापा, एकदम ठंडा ठंडा। शाबाश बिटवा शाबाश, आपका बहुत गर्मी हो रही थी, ठंडा नारियल पानी से हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इस पे तो ध्यान रखना पड़ेगा पापा। हाँ। मैं आपको पंखा डालू? हाँ हाँ। आपको फतेह अली खान मिलेगी, बहुत बहुत फतेह अली खान। का मिलेगी बेटा? फतेह अली खान अंकल, राहत मिलेगी ना? हाँ तो फतेह अली खान अंकल का पहला नाम राहत ही तो है। विद्वान महापुरुष ही लगा सकत है। आए, आए, आए। बहुत बढ़िया, बहुत फंटास्टिक। सुना मम्मी, सुना आपने? हाँ, सुना मैंने। ताना मार रही हो, ऐसे बोल रही है? सुना बेटा सुना। कलयुग है बेटा कलयुग है, कौन कहेगा कि तू इसका बेटा है? तो पागल औरत है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, आपका जो दिमाग है ना उसका शॉर्ट सर्किट हो गया। हेमंत इन्हें फॉर्मूला 070 देने की कोशिश करते, शायद वो ठीक हो जाए। पता नहीं फॉर्मूला 070 है, याद कीजिए ना प्लीज। ये देखिए इसे हम ऐसे इंजेक्ट करके, हेमंत पकड़ पापा को। नहीं 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 नहीं, हमका सुई नहीं लगवानी है, सुई नहीं मारना हमका। चलिए पापा देखिए दूर 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 राम से मैंने अंकल से पता किया याददाश्त वापस कैसे लाते हैं। उन्होंने कहा वो स्कूल के लिए मुझे निबंध लिखना है, खोई हुई याददाश्त वापस लाने के नुस्खे। इसमें आप
आप मेरी मदद कर सकते हो अंकल? अरे मारे जैसे विद्वान साहित्यकार और मारवाड़ी शेक्सपियर के होते हुए थारे को घबराने की जरूरत ना है। लिख। याददाश्त वापस लाने का सबसे बड़ा रक्षित इलाज है जिस चीज से याददाश्त गई हो उसी चीज को फिर से दोहराया जाए या फिर किसी चीज का झटका दिया जाए। झटका? का झटका? तेरे पापा को इलेक्ट्रिक शॉक देते। एक काम कर, इसे लेके आ, वायर कनेक्ट करके। अजय का अभी लाया? अरे ये तो जल्ला दे, वो तो समझे। लेकिन तू इतना छोटा होकर भी इतनी घटिया बात करता है। सुना बेटा सुना, हमका साग देंगे। साग? साग नहीं पापा, साग तो मछली, बड़े दांत वाली। नहीं नहीं बिटवा, वो तो सारक मछली। नहीं नहीं पापा, सारक तो वो मस्त वाला सीरियल सारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा? नहीं पापा, तारक मतलब तो डेट, आज 20 तारक है। अच्छा 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 अच्छा, ओ बराबर, तू अगर कह रहा है ना तो सही ही होगा। अरे विद्वान महापुरुष, आज ज्ञानी बेटो आए थे मेरे मस्त वाले पापा। पापा अच्छा बेटो चल चल, हमको यहाँ से नहीं, चल बहुत डेंजर है दोनों, चल चल कहाँ से जाए, ये दो खड़े इधर जल रहा है। रोकना तेरे पापा को गेंडे। क्या कहा? गेंडे? खून पीने वाली जल्लाद? वो गेंडा है? अरे शीशे के घरों में रहने वाले इस तरह दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। खुद को देखो, ऐसे नागिन की मौसी दिखती हो और इस हंस को गेंडा कहती हो? गेंडा? अरे देखो देखो, शाहरुख की स्टाइल में लिपटा हुआ सलमान के शरीर वाला रवि किशन वाला हमारा रवि किशन। मम्मी मेरे नए वाले पापा कितने मस्त है। क्या है? हम पापा को ऐसे ही रहने देते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे मतलब क्या? ऐसे तो हैं पापा, आप ऐसे ही रहिए। आप ऐसे कीजिए। औरत हो के पढ़ाई मत को ऐसे 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 करके छूती हो? घर में बाप भाई नहीं है क्या? नहीं, इनके घर में देवर बेटा और पति ही है। क्या बात करते हो बिटुआ? ये शादीशुदा है? शादीशुदा होके पराई मर्द को ऐसा 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 करके छूती है? नरक में जाएगी, नरक में जाएगी। अरे मेरी शादी आपसे हुई है, मैं वर्षा हूँ, वर्षा। एक मिनट। ये तो डायन है, डायन है। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, शिशिर। ये देखिए, हम सबके साथ वाले दृश्य। ये कहाँ जादू टोना है? औरत है, उसके पैर देख, जरूर उल्टे होंगे। चुड़ैल है, चुड़ैल। तांत्रिक को बुला। पापा, गोलू भी छोटा दानव है, आंखों में दानवी शक्ति है हेमान। नीले नीले हो, हट हट। पसंद करो बिटुआ। पापा आप प्लीज मुझे तो पहचानिए।
मम्मी देखिएगा अब मुझे पहचानेंगे। पापा मैं आपका वाला बेटा हूं जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे आप ऐसे धड़ाम 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 करके मारते हैं। पापा पहचानिए ना प्लीज। मम्मी देखा मैंने कहा ना कि मैं इनका नापसंद बेटा हूं, मैं इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें सब कुछ तुरंत याद आ गया। क्या बात कर रहे हो बिटुआ, कुछ गलत फहमी हो गई है। हम तुम्हारा पप्पा नहीं है। लानत है ऐसे बाप पर जो इतने प्यारे बिटुआ पर हाथ उठावा था। तू हमारे जान से बढ़कर है, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। मम्मी पापा की याददाश्त तो पूरी तरह से चली गई है, इन्होंने मुझे मुझे अपना जिगर का टुकड़ा कहा। अरे अब हम लोगों को वसंत में वो वाला नुस्खा आजमाना होगा। कौन सा वाला नुस्खा? और टाइम मन भैया मैंने बताया था ना वो चोट जिस वजह से आई थी। भाई साहब वेरी गुड, बड़ी मेहरबानी होगी। इंसान को वैसे भी एक दिन ऊपर ही जाना है। जाओ तुम अभी जाओ, जाओ ऊपर जाओ, जिंदगी में ऊपर जाना चाहिए। मैया अरे वर्षा पापा अब प्लीज बैठिए प्लीज। हाँ बैठ जाते बिटवा, लेकिन मेहरबानी करके इस चुड़ैल को हमसे दूर रखना। और एक बात बिटवा, जो डायन है उसके बेचारे पति की हमको बहुत चिंता हो रही है, कैसे गुजारा करता होगा। ये पत्थर वाले भगवान बसंत के सिर पे ये बॉल मारने जा रही हूँ, प्लीज इनको ठीक कर देना प्लीज 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 प्लीज। ओ केबल के बिल को लेकर मैंने चकुड़ी से क्या कहा था? मारना चाहती थी हमको। बचाओ बिटिया हमको बचाओ। नहीं नहीं पहले मेरी बाप को बचाना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये मिस्टर घोटाला ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वर्षा भाभी क्या चल रहा है? सब बाद में समझाती हूँ मैं। ना दीदी पापा की याददाश्त चली गई है। तो भोजपुरी में बोलने लगे वो? वो मैं हिंदी भाषा डाउनलोड करना चाहता था। हिम्मत हिम्मत चुप करो प्लीज चुप करो। वर्षा भाभी आप चुप हो जाइए। आपने आंटी भावना को बॉल क्यों मारा? भैरवी जल्दी से जाके पानी लेके आओ। ना पानी बाद में पीना, पहले मेरी माँ को होश में लाओ। भैरवी उन्हें होश में लाने के लिए तुम्हें पानी लाने के लिए बोल रही हूँ, जाओ। तुम्हारा बस। आंटी भावना आंटी भावना आंटी भावना। वर्षा भाभी ये आपने सही नहीं किया। ना सुनो ना मेरी बात, मुझे ऐसे लगा ये बॉल अगर मैं बसंत के सिर पे मारूंगी जोर से तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन गलती से बॉल। आंटी आंटी भावना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.